वाराणसी में क्रांति फाउंडेशन ट्रस्ट ने आज एक पत्रकार वार्ता कर सभी राजनीतिक दलों को आरटीआई कानून के दायरे में लाने की मांग किया है। साथ ही फाउंडेशन ने नोटा को अपना चुनाव चिन्ह बनाते हुए नोटा पर मतदान करने की जनता से अपील भी की। फाउंडेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह का कहना है कि आरटीआई के दायरे में न आने के पीछे राजनीतिक दलों की मंशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। वाराणसी से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट। जी, मैं राहुल कुमार सिंह, क्रांति फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, जो विभिन्न राजनीतिक दल अपने आप को आरटीआई कानून के दायरे के अंतर्गत नहीं ला रहे हैं, 3 जून 2013 को केंद्रीय सूचना आयोग का यह आदेश भी आया था कि सारे राजनीतिक दलों को आरटीआई कानून के दायरे के अंतर्गत आना चाहिए, उन्हें अपने सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी भी नियुक्त करने होंगे। उस समय सभी ने बड़ी खुशी मनाई थी कि सारे राजनीतिक दल जो है आरटीआई कानून के दायरे के अंतर्गत आएंगे, लेकिन उसके तुरंत बाद सारे राजनीतिक दल जो कि आपस में जनता के सामने एक दूसरे के घनघोर विरोधी हैं, लेकिन वो संसद में एक दूसरे के पक्ष में होकर के एक बिल लेकर के आते हैं जिसमें कि आरटीआई कानून को कमज़ोर करने की बात की गई है। ये समझ में नहीं आता कि ये दल, इनके दलों के पास छुपाने को क्या है कि क्यों वो आरटीआई कानून के अंतर्गत नहीं आना चाह रहे हैं। क्या एक मतदाता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि उनको देशी विदेशी वैध अवैध किस प्रकार के चंदे मिल रहे हैं, जो कि 20,000 से नीचे की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि कूपन के द्वारा लिए जाते हैं। क्या ये मतदाता को अधिकार नहीं है कि जो लोकसभा प्रत्याशी के लिए जो टिकट वितरण किया जा रहा है, उस टिकट वितरण के दौरान कौन सी योग्यताओं का निर्धारण किया गया जिसके आधार पर किसी बाहुबली को, किसी व्यक्ति को टिकट दिया गया। जब ये राजनीतिक दल आयकर में 13A के अंतर्गत 100% आयकर छूट का लाभ उठाते हैं, विभिन्न राजधानियों में सस्ते दरों पर बंगले प्राप्त करते हैं, तो इन राजनीतिक दलों को ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन पर सब्सिडी में स्लॉट दिया जाता है, तो इन राजनीतिक दलों को आरटीआई के आने के अंतर्गत आने में किस बात का डर है। तो आज हम इसी मांग के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और हम विभिन्न राजनीतिक दलों से ये मांग करते हैं कि वो आरटीआई के दायरे के अंतर्गत आएं, और चूंकि आज तक वो आरटीआई के दायरे के अंतर्गत नहीं आए और फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग बीत चुकी है लोकसभा चुनाव 2019 की, तो लोकसभा चुनाव 2019 में हम क्रांति फाउंडेशन के यहाँ पर मौजूद जितने सदस्य हैं अपने आप को लोकसभा प्रत्याशी नोटा सिंबल के साथ घोषित करते हैं और हम नोटा सिंबल का प्रचार करेंगे। इसके लिए वाराणसी में जल्द ही एक वॉर रूम गठित किया जाएगा, आम जनता के बीच डोर टू डोर जा करके नोटा चुनाव चिन्ह का प्रचार किया जाएगा, और इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यमों से पूरे भारतवर्ष में नोटा चुनाव चिन्ह पर प्रचार करने की अपील की जाएगी और आम जनता से बताया जाएगा कि किस तरीके से ये सारे दल एकजुट होकर के आरटीआई कानून में आने से बच रहे हैं। इसका मतलब उनके पास छुपाने को कुछ है, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस कारण सारी की सारी जनता मिल करके नोटा का बटन दबाए और इन राजनीतिक दलों का प्रतीकात्मक विरोध करें। देखिए, इसके दो कारण हैं। मेरा गृह जनपद भी पहले तो वाराणसी है, मैं आपको बता दूं, मैं स्वयं आरटीआई एक्टिविस्ट रहा हूं। हम लोग कई दिनों से ये प्रयास कर रहे थे और पिछले सीआईसी के ऑर्डर को पालन कराने के लिए एडीआर नाम की संस्था की जानकारी आपको होगी, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया अपनी तरफ से और उन्हीं के प्रयासों से लगातार आपके 2013 में ये आदेश पारित हुआ। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि 2019 के चुनाव के फर्स्ट वोटिंग से पहले शायद इन राजनीतिक दलों को इस बात का एहसास हो कि लालचवश ही, लेकिन वो अपने आप को आरटीआई कानून के अंतर्गत करने की घोषणा कर दें, शायद उनको ज़्यादा वोट मिले नोटा के ही लालच के कारण। लेकिन ऐसा तब भी उन्होंने नहीं किया, इसका मतलब वो इतने डरे हुए हैं आरटीआई कानून से के अंतर्गत आने से कि उनको इस बात को किसी तरीके से उनके अंदर स्वीकार्यता नहीं है कि वो आरटीआई कानून के दायरे के अंतर्गत आएंगे। आप भी जानते हैं कि आंतरिक भ्रष्टाचार पूरी तरीके से उजागर हो जाएगा, कोई व्यक्ति 2 दिन के अंदर पार्टी ज्वाइन करता है और उसे तुरंत टिकट दिया जाता है। कौन सी योग्यता है, किस योग्यता के आधार पर उस धनबली बाहुबली को टिकट दे दिया गया? एक राजनीतिक कार्यकर्ता 25 साल तक उसी पार्टी में झंडा ढो रहा है, बैनर बांट रहा है, पंपलेट बांट रहा है, उसको टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन एक बाहुबली को टिकट दे दिया जाएगा, एक धनपशु को टिकट दे दिया जाएगा।
तो क्यों भाई, उसकी योग्यता तो बता दो कि किस योग्यता के आधार पर आपकी पार्टी ने उसे टिकट देने को चयनित किया, क्योंकि वही व्यक्ति आकर के